हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमीवे से। तो एमीवे ने अभी अपना एक सरप्राइज ट्रैक ड्रॉप कर दिया है जो कि एक डिस ट्रैक है कृष्णा के लिए। तो गाने का नेम है गैस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मालूम है मेरा एड्रेस, फिर मांग रहे ले लोकेशन। रहने लगे लिए खाए बेटा, नो पेशेंस, इसलिए पड़े मेरे पीछे मैंने बहुत पेशेंट। देखा तेरे से तुझे पसंद कॉकेशन, क्योंकि यूके की पैदाइश औलाद है। और साथ ही उन्होंने जो मचाएंगे 4 फिर से प्राइवेट करा था, उसके लिए वो एक स्टोरी डालते हैं। मेरा गाना मेरा चैनल, कभी भी प्राइवेट करो कभी भी पब्लिक, मेरी मर्जी एड़े चाली करो। इसके अलावा इक्का और कृष्णा के बीच में जो इशू था उसमें कुछ ट्वीट्स देखने को मिला है, इक्का के साइड से भी और कृष्णा के साइड से भी। तो कल कृष्णा एक ट्वीट करता है, कांट पॉसिबली एड्रेस ऑल द फेक थ्योरीज, फॉल्स फैक्ट्स, रूमर्स ऑन द इंटरनेट, सो आई चूज साइलेंस। जस्ट नो 99% ऑफ इट इज यूजुअली अ लाई और जस्ट मेड अप फॉर अ व्यूज। तो इसके बाद से इक्का की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला था, दे दे मेरा पैसा, नहीं चाहिए तेरी सलाह। तो अभी इक्का का जो सबसे रीसेंट ट्वीट है वो कृष्णा के लिए कुछ ऐसा था, कृष्णा के साथ कोई लड़ाई नहीं है, न ही कोई नफरत है, बस कमर्शियल गानों में भी मेहनत लगती है, हमने मेहनत करके कमाया है, नाम धक्के खा के, गिर के फिर उठ के, कई साल लगा के, विथाउट एनी म्यूजिकल बैकग्राउंड, खुद से सीख कर, जर्नी को जज मत करो। तो काफी लोगों के इक्का ने रिप्लाइज भी करे थे। तो एक भाई लिखते हैं, ये है पहला रैपर जो अपनी खुद की एल्बम में फीचरिंग आर्टिस्ट से ओवरशैडो हुआ। तो इक्का लिखते हैं, जैसे विलन मैं तेरा फेवरेट हो गया था। इसके अलावा बेला की तरफ से जैसे कि कुछ ट्वीट्स देखने को मिले थे कि वो म्यूजिक छोड़ दे, तो इस पे इक्का लिखते हैं, वो छोड़ दे पर म्यूजिक उसको नहीं छोड़ेगा। बेला, तो अब बात कर लेते हैं एपी ढिल्लो के बारे में। तो एपी ढिल्लो और नास जो है वो साथ में देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हिंदी रिकॉर्ड्स के बारे में। तो हिंदी रिकॉर्ड्स पे अभी 100K फॉलोवर्स क्रॉस हो चुके हैं। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।